नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण छ गणित प्रकरण त्रण स्वाध्याय संख्या साथ रमत एम स्वाध्याय बे त्रण पॉइंट बे भाग बे एम नवमो दाखलो है कि सौ करता नानी क्रमिक सात विभाज्य संख्या लखो जेमनी वच्चे कोईपण अविभाज्य संख्या आवे नहीं। हवे अहीं आपणे ब्लू पेन थी अविभाज्य संख्याओ लखी है सौ सुधीनी, तो यहाँ जो ही है कि अविभाज्य संख्याओं से एमनी वच्चे केटली विभाज्य संख्याओ रहेली है जो ही है। तो त्रण अने पांच वच्चे एक विभाज्य संख्या चार रहेली है, एकज है। पांच अने सात वच्चे छ एकज रहेली है विभाज्य संख्या। सात अने अग्यार वच्चे आठ नौ दस त्रण ज आवी छे। अग्यार अने तेर वच्चे बार एकज विभाज्य संख्या रहेली है। तेर अने सत्तर वच्चे चौद पंदर सोल तण ज विभाज्य संख्या रहेली है। सत्तर अने ओगणीस अविभाज्य संख्याओ वच्चे अठार एकज विभाज्य संख्या तरीके आवेली है। ओगणीस अने तेवीस वच्चे वीस एकवीस बावीस त्रण विभाज्य संख्या रहेली है। तेवीस अने ओगणत्रीस वच्चे चौबीस पच्चीस छवीस सत्यावीस अठयावीस एटले चौबीस पच्चीस छवीस सत्यावीस अठयावीस पांच क्रमिक विभाज्य संख्याओ रहेली है। आपणे केटली जोईए छे सात एटले ए पण नहीं आवे। ओगणत्रीस अने एकत्रीस वच्चे त्रीस एक विभाज्य संख्या रहेली है। साड़त्रीस एकतालीस वच्चे आड़त्रीस ओगणचालीस चालीस त्रण विभाज्य संख्या रहेली है। एकतालीस तेतालीस वच्चे बेतालीस एक विभाज्य संख्या रहेली है। तेतालीस अने सुड़तालीस वच्चे चुम्मालीस पिस्तालीस छेतालीस त्रण विभाज्य संख्या रहेली है। सुड़तालीस एकावन सुड़तालीस अने त्रेपन वच्चे अड़तालीस ओगणपचास पचास एकावन बावन पांच विभाज्य संख्या रहेली है। अपने सात विभाज्य संख्याओ जो है त्रेपन ओगणसठ वच्चे चौपन पंचावन छप्पन सत्तावन अठावन पांच ज विभाज्य संख्या रहेली है। ओगणसठ अने एकसठ वच्चे साठ एकज विभाज्य संख्या रहेली है। एकसठ अने सड़सठ वच्चे बासठ त्रेसठ चौसठ पांसठ छसठ पांच विभाज्य संख्या रहेली है। सड़सठ एकोतेर वच्चे अड़सठ ओगण सित्तेर सित्तेर त्रण विभाज्य संख्या रहेली है। एकोतेर तोतेर वच्चे बोतेर एकज विभाज्य संख्या रहेली है। तोतेर अने ओगणसी वच्चे चुम्मोतेर पंचोतेर छोतेर सत्योतेर अठ्योतेर पांच विभाज्य संख्या रहेली है। ओगणसी ने त्यासी वच्चे एसी एक्यासी ब्यासी त्रण विभाज्य संख्या रहेली है। जयरे अपने अँ एक विभाज्य संख्या अविभाज्य संख्या भूली गया छे नेव्यासी पची सत्ताणु त्यासी अने नेव्यासी वच्चे चौरियासी पंचासी छियासी सत्यासी अठियासी पांच ज विभाज्य संख्या रहेली है। જ્યારે નેવ્યાસી અને સત્તાણુ વચ્ચે નેવ્યાસી અને સત્તાણુ વચ્ચે રહેલી વિભાજ્ય સંખ્યા નેવું નેવ્યાસી પછી નેવું એકાણું બાણું ત્રાણું ચોરાણું પંચાણું छन्नू गणी है। एक बे त्रण चार पांच छ सात एटले बे अविभाज्य संख्या वच क्रमिक बे अविभाज्य संख्या वच्चे क्रमिक सात विभाज्य संख्या आपने मळे छे जेनी वच्चे कोई पण अविभाज्य संख्या आवती नथी। त्यारबाद दसमो प्रश्न छे नीचेनी दरेक संख्याओने त्रण एकी अविभाज्य संख्याना सरवाळा तरीके
दर्शाव एम अपन ने आप एकवीस बी एकत्रीस सी त्रेपन अने डी आप एकसठ। हवे एकवीस कई रीते आवे त्रण एवी एकी अविभाज्य संख्याओ शोधो कि जेनो सरवाळो तमे करो तो एकवीस मळे। तो तेर वत्ता पांच वत्ता त्रण अने सरवाळो करो तेर ने पांच अठार अठार ने त्रण एकवीस मळे छे। एटले त्रण पांच अने तेर एवी अविभाज्य संख्याओ छे जेमनो सरवाळो करता एकवीस मळे छे। बी एकत्रीस त्रण एवी एकी अविभाज्य संख्याओ नो सरवाळो करो कि तमने जवाब एकत्रीस मळे तो सात वत्ता अग्यार वत्ता तेर तेर ने सात वीस वीस ने अग्यार एकत्रीस एटले एकत्रीस मळे छे। सी त्रेपन तो तेर सत्तर अने त्रेवीस सत्तर अने तेर त्रीस त्रीस ने त्रेवीस त्रेपन एकसठ सात वत्ता तेर वत्ता एकतालीस तेर ने सात वीस वीस ने एकतालीस एकसठ। एटले आ रीते आपने त्रण एकी अविभाज्य संख्याओनो सरवाळो करता आपेली संख्याओ आपने जवाब तरीके मळे छे। अग्यारमो प्रश्न छे वीस करता नानी अविभाज्य संख्यानी पांच जोड़ियों लखो के जेनो सरवाळो पांच वड़े भागी शकाय तेवो होय। पहला आपणे पांच ना अवयवी टूंक में लखी लईए पांच ना अवयवी पांच एका पांच पांच दू दस पांच तेरी पंदर पांच चौकू वीस पचू पचू पच्चीस पांच छक त्रीस पांच सत्ता पांत्रीस पांच अठार चालीस पांच नवा पिस्तालीस पांच दाण पचास पछी अनंत सुधी आवे एने अवयवी। एटले टूंकमां पांच वडे भागी शकाय तेवो सरवाळो जोईतो होय तो ए पांचना अवयवी होय जे संख्या मळे ई। एटले आपणे वीस करता नानी अविभाज्य संख्याओ लखी लईए। हवे वीस थी नानी अविभाज्य संख्याओ वीस थी नानी अविभाज्य संख्याओ बे त्रण पांच सात अग्यार तेर सत्तर अने ओगणीस आ वीस थी नानी अविभाज्य संख्याओ आपणने मळे छे। बे त्रण पांच सात अग्यार तेर सत्तर अने ओगणीस। हवे आनो सरवाळो कोईपण बे संख्यानो सरवाळो करो तो उपरोक्त पांचना अवयवी मळवा जोईए तो जवाब तरीके आपणने पांच वडे भागी शकाय एवो मळे एटले निशेष भागी शकाय। सात ने त्रण
दस थाय ने तन ने बे पांच ए त्रण वत्ता बे पांच पांच ने तमे पांच वड़े भागो तो निशेष भागी शकाय छे। बी सात ने त्रण दस दस ने पांच वड़े भागो तो पांच वड़े निशेष भागी शकाय। सी तेर ने बे पंदर मळे पंदर ने पांच वड़े निशेष भागी शकाय पांच तेरी पंदर। પછી ડી જોઈએ તેર અને સાત તેર વત્તા સાત કરો એટલે આ વીસ મળે વીસ ને પાંચ વડે નિશેષ ભાગી શકાય। त्यार बाद ई ओगणीस अने अग्यार नो सरवाळो करो एटले तमने त्रीस मळशे पांच ना अवयवी ओगणीस वत्ता अग्यार त्रीस तो त्रीस ने पांच वडे भागी शकाय। એટલે આપણને પાંચ જોડી કઈ કઈ મળી એ ફરીથી લખી લઈએ। પેલી જોડી બે વત્તા ત્રણ બરાબર પાંચ અવયવી મળ્યા, બીજી જોડી બે વત્તા તેર બરાબર પંદર મળ્યા પાંચના અવયવી, ત્રીજી જોડી ત્રણ વત્તા સાત બરાબર દસ એ પણ પાંચના અવયવી, ચોથી જોડી તેર વત્તા સાત બરાબર વીસ, પાંચમી જોડી ઓગણીસ વત્તા અગિયાર બરાબર ત્રીસ એ પણ પાંચના અવયવી છે। આ બધાને પાંચ દસ પંદર વીસ ત્રીસ બધી સંખ્યાઓને આપણે પાંચ વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ બારમો પ્રશ્ન ખાલી જગ્યા પૂરો, પેલી ખાલી જગ્યા જે સંખ્યાને ફક્ત બે અવયવો હોય તેને કેવી સંખ્યા કહેવાય, અવિભાજ્ય સંખ્યા, અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય છે। બી જે સંખ્યાને બે કરતા વધારે અવયવો હોય તેને બે કરતા વધારે અવયવો હોય તેને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે। ત્રીજું સંખ્યા એક એ એક છે વિભાજ્ય પણ નથી
અને અવિભાજ્ય સંખ્યા પણ નથી, એટલે એક અવિભાજ્ય કે વિભાજ્ય સંખ્યા નથી. ડી, સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? બે. બે સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. ઈ સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા, સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા ચાર છે. બે છે એ તો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. એફ સૌથી નાની બેકી સંખ્યા, એકડા છે એમાં સૌથી નાની બેકી સંખ્યા, સૌથી નાની એકી સંખ્યા એક છે અને સૌથી નાની બેકી સંખ્યા બે છે, એટલે જવાબ મળશે બે. તો આ રીતે આપણને ખાલી જગ્યાના જવાબ મળે છે.